उदयपुर नाम के गांव में चिंटू और पिंटू नाम के दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल एक गांव भर दी जाती थी। वो दोनों ऐसे ही एक दिन अपने रोबोट के साथ मैदान पर खेल रहे थे। वैसे तो चिंटू का इस दुनिया में कोई नहीं था, उसके माता पिता बचपन में गुजर गए थे। उसके रिश्तेदार ने चिंटू को अपनाने से भी मना कर दिया था। सिर्फ ऐसे वक्त में उसको एक इंसान ने संभाला था और वो इंसान था पिंटू के दादाजी। तब चिंटू अपने दोस्त पिंटू के साथ और इन दोनों रोबोट के साथ और दादा के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन पिंटू चिंटू से बहुत सीरियस बात करने लगा। चिंटू, उस क्रिमिनल ने कत्लेआम करके रखा है, उसने अभी तक काफी मर्डर कर दिए, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे पकड़े। अरे यार पिंटू, आज तो हमारा रेस दिन है। वैसे भी वो क्रिमिनल एक दिन मर्डर करने के बाद 7 दिनों तक फिर से मर्डर नहीं करता, और वैसे भी कल रात मैंने उसके बारे में सारी जानकारी निकाल दी। वो कहाँ है, अब कहाँ होगा, हम उसे पकड़ लेंगे कल या परसों। ठीक है पिंटू, आज हम रेस्ट करते हैं। अगले दिन वही क्रिमिनल चिंटू पिंटू के गांव में भागकर आ गया। सर, आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए? हमारे यहाँ हर टाइप की आइसक्रीम मिलती है। कौन सी भी दे दो, मुझे कोई भी चलेगी। सर, मैं अभी आपको 2 मिनट में एक अच्छी आइसक्रीम देता हूँ। आज चाहे जो भी हो जाए, नहीं छोड़ेंगे उस क्रिमिनल को। हाँ सर, आज चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ेंगे उसे। अरे नहीं, ये दोनों डिटेक्टिव यहाँ आ गए, अब मुझे यहाँ से भागना ही होगा। अरे सर, आइसक्रीम तो खा के जाइए। सर वहाँ देखिए, वो क्रिमिनल वहाँ से भाग रहा है। ओ शिट, इन्होंने मुझे तो देख लिया, अब मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। चाचा जी संभल कर जाइए। अरे नहीं, ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मेरे दादाजी की तबीयत तो ठीक है ना? अब मैं क्या बताऊँ पिंटू जी, तेरे दादाजी की तबीयत तो बहुत सीरियस है। तू कहीं से तू पैसों का इंतजाम कर ताकि तेरे दादाजी का इलाज हो सके। यार दूसरी तरफ पिंटू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो अब करे तो करे क्या, कहाँ से लाएगा वो इतने सारे पैसे। पिंटू यार, अब दादाजी की तबीयत कैसी है? चिंटू, मैंने कहा था तुझे, हम आज ही उस क्रिमिनल को पकड़ते, लेकिन तूने कहा हम उसे कल पकड़ेंगे। आज वो क्रिमिनल पुलिस से भाग रहा था और उसी ने हमारे दादाजी की यह हालत की है। मुझे माफ कर दे पिंटू यार, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। तू माफी के लायक नहीं है चिंटू, तू मेरी नजरों से दूर चला जा, नहीं तो मेरा हाथ टूट जाएगा तेरे पर। तब चिंटू वहां से उदास होकर जाने लगा। अगले दिन पिंटू शहर में आ गया था। उसे अपने आप पर ही काफी गुस्सा आ गया था, दादाजी की यह हालत आज उसकी वजह से ही हुई थी। अरे यार तुझे पता ही है, शहर में जो पुराना बॉक्सिंग का क्लब था, आजकल उसमें इल्लीगल फाइटिंग होती है। आज मेरे पास रोबोट होता तो मैं भी वहां जाता और पैसे जीत कर आता। जाने दे, हमारे पास तो रोबोट नहीं है, लेकिन हम उसे देखने तो जा सकते हैं। तो भी यहाँ पर चिंटू सोचने लगा, मेरे पास तो रोबोट है, अगर मैं वहाँ जाकर जीत गया तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल सकते, उसके दादाजी का इलाज हो जाएगा। तब चिंटू कुछ देर बाद उसी रोबोट फाइटिंग के क्लब में आ गया। जब चिंटू ने वहाँ का नजारा देखा तब वो दंग रह गए। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीतूंगा ही, देखते हैं कौन जीतता है। अरे नहीं, मैं फिर से हार गया, मैंने कहा था मुझसे पंगा लेना मत। तब चिंटू जो आदमी जीता था उसके पास जाने लगा, उसे कहने लगा, सर मेरा नाम है चिंटू, अगर आप चाहे तो मेरा रोबोट आपके रोबोट से लड़ सकता है। बच्चे, ये मजाक का वक्त नहीं है, तुझे क्या लग रहा है, मजाक हो रही है? सर आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके रोबोट को हरा दूंगा। अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? तो मेरा रोबोट आपका। अरे नहीं, इसने तो सच में मेरे रोबोट को वाट लगा दी। तब चिंटू ने कुछ चुटकियों में ही उस मैच को खत्म कर दिया था। तब चिंटू के चर्चे सारे तरफ होने लगे, चिंटू वहाँ रातों रात फेमस हो गया। अभी भी दादाजी के इलाज के लिए पैसे काफी कम पड़ रहे थे, इसलिए चिंटू फिर से उस जगह पर अगले दिन आ गया। तभी वहाँ पर उस लीग का सबसे बेहतरीन प्लेयर चिंटू के सामने आकर खड़ा हो गया। चिंटू, मुझे आपका सबसे बेहतरीन प्लेयर माना जाता है, पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हारे काफी किस्से सुन रहा हूँ, देखते हो तुम आज क्या करते हो।
ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तब चिंटू का रोबोट और वहाँ के सबसे बेहतरीन माने जाने वाले रोबोट में लड़ाई होने लगी। यस, आखिरकार मैं जीती गया। नामुमकिन, इसने ऐसे कैसे मेरे रोबोट को हरा दिया।